हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे पॉमफ्रेट फिश करी। ये देखने में भी जितना सुंदर है, खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं पॉमफ्रेट फिश करी बनाने के लिए 2 पीस पॉमफ्रेट फिश ले लिया हूँ। इसको अच्छे से धो के साफ करके रखी हूँ। इसके बाद इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वाद के हिसाब से थोड़ा नमक। हल्दी पाउडर और नमक को अच्छे से इस फिश के साथ मिला लेंगे और 15 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे। इसमें क्या होगा, फिश के साथ ये मसाला अच्छे से मिल जाएगा। फ्राई करने के बाद फिश से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। पॉमफ्रेट फिश करी बनाने के लिए मैं 5 से 6 लहसुन का कली, 2 प्याज, 1 टमाटर, 2 हरा मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा ले लिया हूँ। पहले मैं अदरक के टुकड़े को अच्छे से इसका छिलका निकाल लूँगी। उसके बाद लहसुन का जो कली है उसको भी छिलका निकाल के साफ कर लूँगी। इसके बाद मैं अदरक और लहसुन को छोटा छोटा पीसेस में काट लूँगी मसाला बनाने के लिए, क्योंकि ये जब मिक्सी में हम डालेंगे मिक्सी का जार में, तो छोटा पीसेस काटने से ब्लेड के ऊपर कम प्रेशर पड़ता है और मसाला भी बहुत स्मूथ निकल के आते हैं। इसके बाद ले लेंगे 1 टमाटर। टमाटर को छोटा छोटा पीसेस में हम काट लेंगे। उसके बाद एक मिक्सी का जार ले लिया। जार के अंदर सारे मसाला, मतलब टमाटर, अदरक, लहसुन का जो टुकड़ा है और 1 हरा मिर्च को इसके अंदर डाल के थोड़ा पानी देके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। मसालों को पेस्ट करने के बाद मैं 2 प्याज ले लिया हूँ। प्याज को भी मैं एकदम बारीक काट लूंगी। देखिए, मेरा अदरक, लहसुन, टमाटर और हरा मिर्च का पेस्ट रेडी हो चुका है और प्याज को भी मैं बारीक काट लिया हूँ। उसके बाद मैं गैस ओवन में एक नॉनस्टिक का पैन बैठा के इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल दे दिया। तो तेल को गर्म होने के लिए थोड़ा रखना पड़ेगा। उसके बाद जो फिश है, फिश को हम फ्राई कर लेंगे। फिश को ज़्यादा कड़क फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है, मीडियम फ्राई करने से ही चलेगा, क्योंकि ये मीडियम फ्राई करने से इसका जब करी बनेगा उसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिश फ्राई करने के बाद जो तेल बच गया, तो उसके अंदर ही थोड़ा और तेल डाल के गर्म करने के बाद 1/2 चम्मच कलौंजी डाल देंगे। उसके बाद दे देंगे प्याज। प्याज को हम थोड़ा लाल करके फ्राई कर लेंगे। प्याज को लो फ्लेम में पकाना है, नहीं तो नीचे से जल सकता है। तो देखिए, प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक, लहसुन, टमाटर और हरा मिर्च का जो पेस्ट था वो डाल दिया और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया। इसके बाद प्याज के साथ ये जो मसाला है अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद जो सूखा मसाला है वो इसके साथ ऐड करेंगे। पहले दे देंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। उसके बाद दे देंगे स्वाद के हिसाब से नमक। तो इधर मैंने नमक 1/2 चम्मच दे रहे हैं। उसके बाद देंगे थोड़ा सा चीनी। तो चीनी आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। चीनी देने से मसाला में एक अच्छा कलर भी आता है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो इसके बाद पूरा मसाला को अच्छे से भून लेंगे, जब तक ना इससे तेल अलग हो जाए। तो अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो पानी डालने के बाद मसाला जब उबलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे फिश। तो मसाला उबलने तक इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो मसाला जब उबलना शुरू हो जाएगा, तब इसके अंदर जो पॉमफ्रेट फिश को हम फ्राई करके रखे, इसको ये मसाला के अंदर डाल देंगे। इसके बाद 10 मिनट के लिए इस फिश को हम ढक के पकाएंगे लो फ्लेम में। इसमें क्या होगा, मसाला का जो फ्लेवर है वो मछली के अंदर आ जाएगा और मछली का जो फ्लेवर है वो करी के साथ पूरा मिल जाएगा। इसके बाद दे देंगे 2 हरा मिर्च। उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए हम ढक के पका लेंगे। उसके बाद आपको दिखा रहे कितना अच्छा पॉमफ्रेट फिश करी बन के रेडी हो चुका है।
देखिए फ्रेंड, मेरा पॉम्फ्रेट फिश करी पूरा रेडी हो चुका है खाने के लिए। ये देखने में भी जितना सुंदर है, खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। तो इस फिश को थोड़ा सावधानी से मैं प्लेटिंग कर लूंगी उठा के। तो पहले मैं फिश को प्लेट में डाल लूंगी, उसके बाद इसके अंदर ग्रेवी डालूंगी। तो आप ये फिश करी को चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आप लोग घर में जरूर एक बार ये फिश करी बना के देखिए, देखिए कितना टेस्टी बनता है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। मैं जब नया नया खाने का वीडियो दूंगी तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। वीडियो का अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कीजिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। तो आज का वीडियो इतने तक, फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ। बाय बाय।